हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की मराठी का। यहाँ पे जो आपके मराठी डाइजेस्ट में लास्ट में जो पत्र लेखन है, जाहिरात लेखन है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला लेटर मैंने आपको बता दिया था, ये दूसरा लेटर है। तो वीडियो आप हाई रेजोल्यूशन पे देखो तो आपको क्लियर दिखेगा। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शाळेतील प्रथमोपचार पेटी साठी साहित्याची मागणी करणारे पत्र औसत सेवा औषध सेवा दुकानाच्या संचालकांस लिहा। यानी औषध सेवा के जो दुकानदार है उसके संचालक से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं लेटर के थ्रू। लेटर उसको लिख रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो प्रथमोपचार यानी जैसे हाथ कट गया, कुछ चोट लग गई स्कूल में, तो उसके लिए यहाँ पे जो बोलते हैं ना फर्स्ट एड, वो प्रथमोपचार उसको बोलते हैं। प्रथमोपचार जो कर सके, जैसे बैंडेज वगैरह रख दे, क्रीम रख ले जो रहती है, और एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, खून ब्लड जो ब्लीडिंग होने लगती है ज़्यादा उसको रोकने के लिए जो रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मांगने के लिए औषध सेवा। ठीक है, तो इसके लिए दुकानदार के संचालक को यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है। स्कूल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट यानी प्रतिनिधि लीडर। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप ये समझो कि आपको लेटर में दिया जाएगा जिसको हम लिख रहे हैं लेटर, ठीक है, तो उसका यहाँ पर दिया जाएगा और कौन लिख रहा है वो भी। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने तरीके से यहाँ पे बना के लिख सकते हो। हम जैसे देखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, आप देखोगे कि इंग्लिश में देखते हैं रिसीवर सेंडर दोनों का ही एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसीवर का जो एड्रेस लिखेंगे स्टार्टिंग में पहले। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर देख लो, दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर डेट लिखिए आप। और प्रति किसको दे रहे हैं, माननीय ये संचालक, माननीय संचालक औषध सेवा गोदावरी रास्ता नासिक, और यहाँ पर पिन कोड आपको लिखना है, ठीक है, जो 5 डिजिट का रहता है। अब विषय यहाँ पे देखो, विषय क्या है, प्रथमोपचार पेटी साठी साहित्य मांगनी कन्या बाबत, यानी कि हम किसको लिख रहे हैं, औषध। ऊपर का ये जो लाइन दिया गया था औषध सेवा, ये भी आप डाल सकते हो सब्जेक्ट में। तो क्या है यहाँ पे, प्रथमोपचार पेटी साठी साहित्य, यानी कि सामान मांगने के लिए हम यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं। महोदय सविनय निवेदन होता है ना यहाँ पर, या फिर आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर महोदय लिखा हमने और फिर यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया। अगर आपको नाम दिया गया है जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम दिया गया है, तो वो नाम यहाँ पे लिखिए। शाळेतील प्रथमोपचार पेटीसाठी दरवर्षी आपल्या औषध सेवा दुकानातून साहित्याची मागणी करण्यात येते, यानी स्कूल के लिए, स्कूल के प्रथमोपचार जो पेटी के लिए, पेटी यानी कि जो फर्स्ट एड की जो पेटी है, वो उसके लिए हमने आपकी औषध सेवा यानी आपकी दुकान से हमने सामान मंगवाया है। यही वर्षी काही साहित्याची आवश्यकता आहे, इस साल कई सारे सामान की आवश्यकता है। साल का नया स्कूल का नया वर्ष चालू हो गया है, कृपया यादी अनुसार यानी यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार आप जितने भी सामान है लॉकर पाठवण्याची व्यवस्था करावी, यानी तुरंत के तुरंत आप भेजने का व्यवस्था करें। जो भी सामान यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, पाउस के दिन आने वाले हैं, यानी पाउस के बारिश के दिन आने वाले हैं, तो उसके पहले ही मतलब बारिश के दिन आने वाले हैं, तो विद्यार्थियों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है नहीं, यानी कि सारी चीज़ें उनको चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए यहाँ पे वो दिया गया है, यादि सोबत जोड़ता है। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हम बता रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, देखो थर्मामीटर, बैंडेज पट्टी, जख्म पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम का प्राच्य टुकड़े यानी कपड़े का टुकड़ा, चिकट पट्टी, ये सब कितना चाहिए। ऐसे हिंदी में भी आपको एक है ऐसा ही, उसमें हिंदी का जो एक लेटर ऐसा है उसमें है कि कौन कौन सा बैंड पार्टी के लिए आपको चाहिए, बैंड 8th स्टैंडर्ड की हिंदी में है, बैंड पार्टी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तबला, बांसुरी, वो सब चाहिए। तो शाले कुछ तो ऐसे ही था ना, शाले बैंड पथक करके कुछ ऐसे ही है टॉपिक। इसी तरीके से जो जो आपको जितना चाहिए यहाँ पे आपको ये लिखना है, वस्तु और संख्या, टेबल बना के ऐसे ही यहाँ पर नंबरिंग करना है और यहाँ पर कितना चाहिए वो लिखना है, थर्मामीटर 2, बैंडेज पट्टी 6, इस तरीके से। वो ये पत्र माननीय मुख्याध्यापक यानी जो प्रिंसिपल है उनके अनुमति के बाद ही लिखा गया है, यानी उनकी अनुमति उनके परमिशन के बाद लिखा गया है। आपका कृपा अभिलाषी जो आपका नाम है वो लिखना है, या फिर जो लेटर में लिखा गया है वो लिखना है, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है यहाँ पे वो। विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है वो लेटर हिंदी में भी, आप वो भी देख सकते हो। स्कूल का नाम यहाँ पे, उसका एड्रेस नासिक, और यहाँ पे पिन कोड भी लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए इजी है, सिंपल है, यहाँ पे बस पहले हमको उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद सब विषय लिखना है, उसके बाद विषय में क्या है वो, यहाँ पे सैल्यूटेशन यानी महोदय, नमस्कार, नमस्ते, वो सारी चीज़ें,
उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें लिखना है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। कोई ऐड आया तो स्किप मत कीजिए। कमेंट आया था बार बार स्टूडेंट्स का कि मिस लास्ट के जो है और ये राइटिंग स्किल मराठी के वो बता दीजिए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैं दो लेटर आज बताती हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं कल प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, कोई डाउट है और कोई वीडियो चाहिए इसी तरीके से कमेंट में बताते रहिए। हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी निबंध का और हिंदी का व्याकरण का भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको कोई वीडियो चाहिए हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का, मराठी का, राइटिंग स्किल जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके।